कॉमर्स तुम्हें प्रणाम में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन। पिछली क्लासों में हम एमएल कमीशन लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने इन क्लासों को मिस कर दिया है तो एक बार पुनः जाकर पढ़ लें, क्योंकि आज का टॉपिक तभी समझ में आ सकता है जब पीछे के आप लोगों ने टॉपिक पीछे के क्लासेस आप लोगों ने लगातार ली हों। तो आज हम लोग जो है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो आता है एग्ज़ाम में और क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करने के लिए भी और समझने के लिए भी, जो हमारी कम समझ में आता है उसी को आज हम लोग जो है थोड़ा सा बहुत डीपली एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। क्या है कि टाइप्स ऑफ एमएल कमीशन, हम लोगों ने ये पीछे पढ़ लिया था कि एमएल कमीशन का जो टाइप्स होता है वो दो तरह का होता है, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज, यानी विलय की प्रकृति का और जो है क्रय की प्रकृति का। अब हमको ये डिफरेंस समझना है कि जो है नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज कौन सा एमएल कमीशन होता है, यानी विलय की प्रकृति का एकीकरण कौन सा होता है और जो है क्रय की प्रकृति का एकीकरण कौन सा होता है। तो देखिए, इन्होंने कहा है फॉर अकाउंटिंग पर्पस AS 14 हैज़ डिवाइडेड द एमएल कमीशन इनटू टू कैटेगरीज। कह रहा है AS 14 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग एमएल कमीशन जो है वो दो कैटेगरी का होता है, एमएल कमीशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड एमएल कमीशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ये किस में कही गई है बात? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में कही गई है। देखिएगा, हिंदी की प्रॉब्लम अगर आपको आती है, हिंदी या इंग्लिश की, तो मैं जो मैटर मुझे मिल जाता है या मेरे को टाइम मिल जाता है लिखने का तो मैं लिख देता हूँ, मैटर मुझे मिल जाता है तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन इसका हिंदी का भी मुझे मिल गया तो मैंने उसका नीचे जो है इसके बाद जो है हिंदी का दे रखा है, तो हिंदी वाले वहाँ से नोट कर लेंगे, समझ यहाँ से लीजिएगा। या कभी मुझे हिंदी में मिल जाता है तो इंग्लिश वाले वो समझ लें और फिर वो जो है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। बाकी मैटर यहाँ समझने का है और अपने हिसाब से कॉपी में नोट करने का है, तो आपको बहुत निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी इससे। तो देखिए, एमएल कमीशन इन द नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है, पहले इन्होंने नेचर ऑफ मर्जर के बारे में कही है। देखिए, नेचर ऑफ मर्जर तभी हो सकता है जो इन्होंने नीचे कंडीशन दी है, पांच कंडीशन दी है। अगर ये पांच कंडीशन फुलफिल होती हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका जो एमएल कमीशन का नेचर है वो अमल कमीशन का नेचर कौन सी टाइप का है, मर्जर टाइप का है। और अगर इन पांचों में से कोई एक शर्त या अन्य कोई भी शर्त पूरी नहीं करता है तो अमल कमीशन की जो नेचर है वो कौन सी है, परचेज, क्रय की प्रकृति का एकीकरण है। फिलहाल विलय की प्रकृति के एकीकरण के लिए वो कौन सी पांच शर्तें हैं उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। फॉर एन एमएल कमीशन टू बी कंसिडर्ड एज ए मर्जर ऑल द फॉलोइंग 5 कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाई। इन्होंने कहा है कि एमएल कमीशन मर्जर टाइप का होने के लिए ऑल द फॉलोइंग 5 कंडीशन, नीचे दी गई पांचों की पांचों कंडीशन आर टू बी सेटिस्फाई, उनसे जो है हमें पांचों शर्तें वो पूरी करता हो। पहली शर्त बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आफ्टर द अमल कमीशन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर कंपनी। देखिए, ट्रांसफरर का है, ट्रांसफर का मतलब हमने पहले पढ़ लिया था पहली क्लास में, वेंडर का मतलब सेलर कंपनी, बिकने वाली कंपनी। तो बिकने वाली कंपनी की संपत्ति और दायित्व बिकम द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी और परचेजिंग कंपनी। ट्रांसफरी का मतलब खरीदने वाली कंपनी, यानी क्या कहना चाह रहा है, बिकम द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कि जो विक्रेता कंपनी अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को अपने पास रखता है तो अगर उसे खरीदने वाले ने जब खरीद उसे बेच दिया गया है, यानी खरीद लिया गया है, तो खरीदने के बाद क्रेता कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बन ऐसी की ऐसी बन जाते हैं, यानी जो वेंडर कंपनी की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ थी वो आफ्टर एमएल कमीशन परचेजिंग कंपनी की बन जानी चाहिए। समझ में आ गया? जैसे सपोज़ करो कि टी कंपनी के पास कुछ एसेट्स थी, लैंड बिल्डिंग मशीन, और टी कंपनी के पास कुछ जो है लाइबिलिटीज़ थी, बैंक लोन वगैरह, तो जो एसेट्स थी लैंड बिल्डिंग मशीन और जो लाइबिलिटीज़ थी बैंक लोन, वो परचेजर कंपनी यानी जो खरीद रहा है वो बिल्कुल ऐसी की ऐसी शिफ्ट हो जाएंगी। तो इसको समझ लीजिएगा, पहली पॉइंट समझ में आ गया, यानी पहली पॉइंट क्या कह रहा है कि जो विक्रेता कंपनी की संपत्तियाँ और दायित्व हैं वह बिल्कुल ऐसी की ऐसी परचेजिंग कंपनी, खरीदने वाली कंपनी की हो जानी चाहिए। सेकेंड पॉइंट कहता है Besides the share of the transferor company held by the transferee company
और इट्स सब्सिडरीज और देयर नॉमिनीज प्रायर टू अमलगमेशन 90% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी विल बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। यानी क्या कहना चाह रहा है कि बिसाइड द शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर का मतलब कि विक्रेता कंपनी, कह रहा है कि एमल कमीशन से पहले अगर खरीदने वाली कंपनी उसके विक्रेता कंपनी के समता अंशों के कम 90% शेयर होल्डर बन जाते हैं, समझ रहे हैं? क्या बन जाते हैं? 90% शेयर होल्डर बन जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि वो जो है नेचर ऑफ मर्जर हो जाता है। यानी क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए सपोज करो कि एक परचेजर कंपनी है और एक सेलर कंपनी है, ठीक है। तो सेलर कंपनी का मतलब क्या हुआ कि जिसने अपनी कंपनी को बेचा है, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे सपोज करो कि एक कंपनी टी है, ये सेलर कंपनी है, एक कंपनी पी है, ये परचेजर कंपनी है, ठीक है। तो टी ने सेल कर दिया अपना बिजनेस को पी को, ठीक है। अब देखिए जो टी ने सेल किया है, तो टी ने जो सेल किया है तो यहाँ पर क्या होगा कि टी जो है वो 90% शेयर अपने पास रखता हो, यानी अमलगमेशन के बाद कि वो कंपनी के परचेजिंग कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हों। कितने परसेंट कह रहा है? कह रहा है कि समता अंशों के फेस वैल्यू के कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर एकीकरण के बाद क्रेता कंपनी के समता अंशधारी बन जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ये जो टी कंपनी के शेयर होल्डर थे, अब जब बिक गई तो इनका अस्तित्व समाप्त हो गया, तो ये क्या काम करेंगे कि जो इन ये इस वाली कंपनी में जाके मर्ज हो जाते हैं, पी कंपनी मर्ज हो जाते हैं, टी कंपनी इनको परचेज कर लेती है। तो ध्यान रखें कि 90% शेयर जो है वो टी कंपनी के पास होने चाहिए, इक्विटी शेयर पी के 90% शेयर किसके पास होने चाहिए? पी कंपनी के पास होने चाहिए। इस बात को वो कह रहा है कि ये कह रहा है बिसाइड द शेयर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी हेल्ड बाय द ट्रांसफरी कंपनी और इट्स सब्सिडीज और देयर नॉमिनीज प्रायर टू अमलगमेशन 90% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी विल बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। कह रहा 90% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी विल बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। यानी कहने का मतलब फिर द्वारा समझ लीजिएगा, ये मत समझ लेना आप लोग कि 90% शेयर होल्डर ट्रांसफरी कंपनी के हो जाएंगे। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो बिकने वाली कंपनी है उसके कम से कम 90% लोग इस कंपनी में शेयर होल्डर बन जाए। देखिए कंफ्यूजन आपको ये हो सकती है कि आपको ऐसा लगे कि ये कहना चाह रहा है कि इस नई कंपनी में 90% शेयर खरीद लें, नो, इसका मतलब तो फिर वो मालिक बन जाएगा। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो बिकने वाली कंपनी है उस कंपनी के 90% लोग यानी 90% शेयर होल्डर वो नई कंपनी में शेयर होल्डर हो जाने चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। सेकंड, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा दूसरा पॉइंट, और डीपली पढ़िएगा आप लोग। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि द ट्रांसफरी कंपनी का मतलब समझ में आ गया, खरीदने वाली कंपनी विल पे द परचेज प्राइस, वो क्रय मूल्य का भुगतान करेगा टू द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी इन द फॉर्म ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इट मे हाउएवर पे कैश फॉर द फ्रैक्शंस ऑफ शेयर। देखिए फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया था, पीछे मैंने समझाया था, ये क्या कहना चाह रहा है बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो परचेजर कंपनी है जिसने बिजनेस खरीदा है, सेलर कंपनी को जब पेमेंट करेगा, यानी यही तो पेमेंट करेगा क्योंकि इसने खरीदा है, तो ये जो पेमेंट करेगा तो पेमेंट करने के लिए वो पेमेंट सिर्फ इक्विटी शेयर में करेगा। किस में करेगा? इक्विटी शेयर में ही पेमेंट कर सकता है, ध्यान रखेंगे, ये अपने शेयर देगा। अब जब इक्विटी शेयर दिए जाएंगे तो इक्विटी शेयर दिए जाएंगे, और इक्विटी शेयर देते समय अगर बाय द वे फ्रैक्शन शेयर बन जाते हैं यानी पॉइंट में शेयर बन जाते हैं, तो उनका पेमेंट किस में किया जाएगा?
कैश में किया जाएगा, ये बात ध्यान में रखने वाली है। पहली बात क्या आई हम लोगों के, देखिए तीन पॉइंट, तीन हमने पॉइंट अभी तक समझे। पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि विक्रेता कंपनी के सारी संपत्ति और दायित्व क्रेता कंपनी के बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि विक्रेता कंपनी के 90% लोग, 90% शेयर होल्डर नई वाली कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि जो पेमेंट करेगा परचेजर कंपनी शेयर कंपनी को, वो शेयर में करेगा। देखो ये दूसरे वाले पॉइंट से कनेक्टेड ही है। जब 90% शेयर होल्डर बन जाते हैं तो जभी तो बन जाते हैं जब उनको शेयर मिलेंगे। अगर कैश में पेमेंट बनेगा तो शेयर होल्डर क्यों बनेंगे? तो इसलिए तीसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। तो वो कह रहा है कि या तो पेमेंट जो है शेयरों में किया जाएगा, और अगर पॉइंट में आ जाते हैं तो पॉइंटों का पेमेंट जो है, जिसको हम लोग फ्रैक्शन शेयर बोलते हैं, उनको हम लोग कैश में पेमेंट करेंगे। तीन पॉइंट क्लियर करने के बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका। फोर्थ पॉइंट कहता है आप लोगों का कि द ट्रांसफरर ट्रांसफी कंपनी शुड हैव द इंटेंशन ऑफ कैरिंग द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी आफ्टर द अमलगमेशन। यानी कि जो कंपनी हम लोगों ने परचेज की है, वो खरीदने वाली कंपनी इस उद्देश्य के साथ कंपनी को मर्ज करे, इस उद्देश्य के साथ अमलगमेशन करे कि वो कंपनी वो आफ्टर मर्जर उस बिजनेस को चलाता रहे, उस बिजनेस को मेंटेन रखे। ये फोर्थ है। देखिए कह रहा है द ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी का मतलब परचेजर कंपनी, शुड हैव द इंटेंशन ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी सेलर कंपनी, यानी शुड हैव द इंटेंशन ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस। उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कैरिंग ऑन बिजनेस चलाए रखने की। कौन से बिजनेस को? ट्रांसफर कंपनी को, आफ्टर द अमलगमेशन। तो फोर पॉइंट आपके क्लियर, फाइव पॉइंट आ जाइएगा। कह रहा है नो एडजस्टमेंट इन इंटेंडेड टू बी मेड टू द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी एक्सेप्ट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। यानी क्या कहना चाह रहा है कि सेलर कंपनी की जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, ध्यान रखें कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, उनको बुक वैल्यू पर नहीं दिखाया जाना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। ठीक है ना, यानी एडजस्टमेंट जो किया जाए वो उनकी बुक वैल्यू पर न किया जाए। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? यानी क्या कहना चाह रहा है कि नो एडजस्टमेंट इंटेंडेड टू मेड इन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड ट्रांसफर व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसफर एक्सेप्ट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। दस इन द मर्जर देर इज जेन्युइन पूलिंग ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज वेल द शेयर होल्डर इंटरेस्ट ऑन द बिजनेस ऑफ कंबाइंड एंटिटी। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि जो क्रेता कंपनी है, वित्तीय विवरणों में विक्रेता कंपनी की संपत्ति और दायित्वों को समामिलित किए जाने के बाद विक्रेता कंपनी की संपत्ति और दायित्वों के पुस्तक मूल्य में समायोजन न किया जाए, अर्थात उन्हें पुस्तक मूल्य पर ही दिखाया जाए, ये कहना चाह रहा है। समझ में आ गया होगा? हाँ जी, कुल मिला के ये कहना चाह रहा है आप लोगों से पॉइंट कि हम लोग जो भी उसकी एसेट्स और परचेज एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को जो है हम लोग परचेज करते हैं, अपने यहाँ लेते हैं, यानी इनकॉर्पोरेटेड करते हैं, तो उन्हें हमेशा बुक वैल्यू पर ही दिखाया जाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं जिससे हमारे जो अकाउंट हैं, हमारी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, वो एक रूप रहे, यानी हम लोग एक ही तरीके कंबाइंड एंट्री बना सकें और आसानी से एडजस्ट कर सकें। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, कुल मिला के बात यह है कि आपके पांच पॉइंट आपको दिमाग पर क्लियर होने चाहिए। पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। पांच पॉइंट कौन कौन से थे? पहला पॉइंट आप लोगों का ये है कि जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा मर्जर होने के लिए, पहला पॉइंट क्या था कि सभी सेंडर वेंडर कंपनी के एसेट्स एंड परचेज जो हैं वो परचेजिंग कंपनी के पास ऐसी की ऐसी पहुँचें। यानी कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ सेलर के थे, वही एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ अब किसके बन जाएंगे? परचेजर के बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने यह पढ़ा कि
सेलर कंपनी के 90% मेंबर, 90% लोग, 90% शेयर होल्डर वो परचेजर कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी परचेजर पेमेंट करेगा, परचेजर कंपनी पेमेंट करेगी सेलर कंपनी को, वो शेयरों में करेगी, और शेयर में करने के बाद अगर किसी मेंबर्स के शेयर फ्रैक्शन में पहुंच जाते हैं तो पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो उनका पेमेंट कैश किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि परचेजर कंपनी ने जो परचेज किया है वो सेलर कंपनी के बिजनेस को चलाने का इरादा रखते हो, यानी बंद करने का इरादा ना हो, इस टाइप से खरीदें कि उसका बिजनेस लगातार चलते रहे, बस मालिक ही तो बदले हैं, बिजनेस तो चलते रहना चाहिए। और फाइव पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का जो हम लोग कॉरपोरेशन करते हैं, जो हम लोग इनकॉरपोरेशन करते हैं, उसको हम लोग बुक वैल्यू पर ही दिखाएँ, ठीक है, क्यों दिखाएँ, जिससे हमारे खाते और नीतियाँ जो हैं क्या करते रहें, एक रूप होके चलते रहें। ये पांच पॉइंट हम लोगों ने क्लियर करे। ये पांचों के पांचों पॉइंट अगर आप लोगों के पूरे होते हैं, फुलफिल होते हैं, तो समझ लीजिएगा आपका जो एमएल कमीशन है वो एमएल कमीशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। और इन पांचों में से कोई एक शर्त अगर पूरी नहीं होती है, कोई एक इसमें से रह जाती है, एक या बहुत सारी, कम से कम एक भी रह गई ना, तो भी जो है वो अमल कमीशन इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं होगा, फिर वो बन जाएगा अमल कमीशन इन द नेचर ऑफ परचेज। देखिए सामने लिख रहा होगा, अमल कमीशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अमल कमीशन मे बी कंसीडर्ड इन द नेचर ऑफ परचेज व्हेन एनी वन और मोर ऑफ द फाइव कंडीशन स्पेसिफाई फॉर अमल कमीशन इन द नेचर ऑफ मर्जर इज नॉट सेटिस्फाई। क्या कहना चाह रहा है कि यदि विलय की प्रकृति में एकीकरण में वर्णित पांच शर्तों में से कोई एक अथवा एक से अधिक शर्तें अगर पूरी नहीं की जाती है तो वो एकीकरण विलय की प्रकृति का माना जाता है। मैंने इसको हिंदी में भी जो है यहाँ पर कोशिश की है इसको करने की, तो हिंदी वाले जो हैं वो यहाँ से कर लेंगे, समझा मैंने पहले ही दिया था आप लोगों को, तो आप लोग यहाँ से कर लेंगे, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा इसका, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। विलय की प्रकृति का एकीकरण है, AS 14 में बताई गई है तीन बात, उसके बाद ये दो शर्त उसकी, ये रही यहाँ पे और ये रहा यहाँ पे, क्रय की प्रकृति का एकीकरण, ये रहा यदि विलय की प्रकृति में एकीकरण वर्णित पांच शर्तों में से कोई एक अथवा एक से अधिक शर्तें पूरी होती है एकीकरण माना जाएगा, तो समथिंग ऐसा कुछ करके मैंने यहाँ पे समझा दिया है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, आज का जो है आपको समझना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी के लिए भी और न्यूमेरिकल्स के लिए भी, आप इसको बार बार सुने, समझें और फिर इसको लर्न करें, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश का जिससे जितना मेरे पर पॉसिबल हो पाता है उतना मैं हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करता हूँ, बट मैं अपना 100% आपके लिए एफर्ट्स करने की कोशिश करता हूँ। आई होप ये वाला जो लेक्चर है आपको ढंग से समझ में आया होगा। अगले वाले लेक्चर में मैं इन्हीं पॉइंटों का डिफरेंस बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आसानी से आ पाए कि इन द नेचर ऑफ परचेज और इन द नेचर ऑफ मर्जर इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो इसको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको जो है आज की क्लास बहुत अच्छी समझ में आई होगी, और आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।